Welcome back to my channel Dr. Shivani's Dream Life and welcome back to another video, another makeup tutorial. और hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरे साथ जुड़ के भी अच्छा लग रहा होगा. So guys, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पार्टी मेकअप लुक. और ये जो लुक है ये मैंने क्रिएट किया है और यही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी. और इसका ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करके जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही कम टाइम में, अराउंड मुझे शायद 10 मिनट या 15 मिनट लगा होगा, मैक्सिमम 15 मिनट्स लगे होंगे या 10 मिनट्स में ही मैंने ये मेकअप लुक अपना क्रिएट किया है. और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, सबके पास ही मिल जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को लेके ही मैंने ये लुक क्रिएट किया है. और ये लुक ऐसा है कि आप इवनिंग पार्टी मेकअप पे, नाइट पार्टी मेकअप पे, किसी भी ड्रेस पे, एथनिक हो या वेस्टर्न ड्रेस हो, आप किसी पे भी इसको क्रिएट कर सकते हैं. और ये लुक थोड़ा सा मतलब मेरे जो ड्रेस के हिसाब से मैंने हल्का सा स्मोकी लुक क्रिएट किया था, बट लाइट स्मोकी रखा है, मैंने बहुत ब्राइट नहीं रखा है स्मोकी आइस को. सो इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा. और अगर आपको लास्ट में पसंद आता है मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा. और आपने अगर तक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले जब मैं उन्हें अपलोड करती हूँ. तो फिर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज का मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करें. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रोडर्म का मॉइस्चराइजर. और मॉइस्चराइजर्स को अपने फेस पे अच्छे से इवनली स्प्रेड करके मैं 5 मिनट के लिए इसको रहने दूंगी, रेस्ट करूंगी अपने फेस पे और मॉइस्चराइजर लगा के स्किन को प्राइम करूंगी. फिर मैं यहाँ पे वादी का लिप बाम ले रही हूँ. इस लिप बाम को अच्छे से लिप को प्रेप करने के लिए मैं लगा रही हूँ. देन आई एम यूजिंग ए सेलो टेप जो कि मैं आईज पे अच्छे से एक शेप देने के लिए अपने आई मेकअप के लिए इसको यूज़ करूंगी. और दोनों आईज के प्रॉपर कॉर्नर पे आईलिड पे अच्छे से लगा लूंगी और उसके बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट करूंगी. देन आई एम यूजिंग ए स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर है और इस कंसीलर को मैं दोनों आई पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप मोशन में इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि ये इवनली अच्छे से स्प्रेड हो जाए और बिल्कुल भी केकी फिनिश नहीं आए. देन आई एम यूजिंग सेम कंसीलर और उसको मैं अच्छे से आईज के जो आईब्रो एरिया है वहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक प्रॉपर शेप जो मुझे चाहिए, एक हल्का सा ब्राइट आर्क शेप चाहिए, वो मुझे अच्छे से मिल जाए. और इसको मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंड करके मैं पूरा अच्छे से इवन टोन लाके इवन फिनिश में इसको कर लूंगी. और प्रॉपर इसको करने के बाद मैं इसके ऊपर अपना आईब्रो को अच्छे से सेट करूंगी. देन आई एम यूजिंग ये मेबलिन का 24 न्यूड्स वाला पैलेट और इससे मैं ब्राउन कलर का शेप ले रही हूँ और इस शेड को मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी ब्रश की हेल्प से अपनी आई पैलेट्स पे. और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद सेम ही को मैं दोनों आईज में अप्लाई कर रही हूँ. देन आई एम यूजिंग हल्का सा डार्क वाला शेड उसी पैलेट्स का और उसको मैं अच्छे से फिर से आईज पे अच्छे से अप्लाई करूंगी. मुझे हल्का सा ब्लैक ही टोन चाहिए था तो उसके लिए मैंने इसको लगाया है. देन आई एम यूजिंग न्यूट्रल फिनिश करने के लिए हल्का सा ब्राउन टोन, ये है मेरा स्विस ब्यूटी पैलेट का. और अभी मैं ग्लिटर फिनिश के लिए वेट एंड वाइल्ड का हल्का सा ये ग्लिटर फिनिश वाला जो है पैलेट इसको लगा रही हूँ और फिंगर की हेल्प से अच्छे से इसको सेट कर लूंगी. और अभी मैं फिर से वही पैलेट ले रही हूँ और इसका मैं हल्का सा व्हाइट वाला जो कलर है उसको लेके अपने आईज को हल्का सा हाईलाइट कर रही हूँ. और जो भी मेरे हाई पॉइंट्स हैं उसको मैं आईज के ऊपर, आईलिड के ऊपर और अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं अपना जो सेलोटेप है उसको रिमूव कर दूंगी. देन आई एम यूजिंग फेस मेकअप के लिए यहाँ पे पर्पल का मैं 24 कैरेट गोल्ड वाला फेस ऑयल सीरम जो है ये यूज कर रही हूँ. और इसको अच्छे से फेस पे आपको मसाज करना है और जब तक आपकी स्किन एब्जॉर्ब ना कर ले. और अभी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का ये लिक्विड वाला फाउंडेशन और ये मेरे नेचुरल शेड का है. और आज को मैं सेम डैबिंग मोशन में वेट स्पॉन्ज से पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी. और इसको मैंने 2 लेयर लगाया है. एक्चुअली ये बहुत ही लो कवरेज टाइप का दिखा मुझे, मुझे हल्का सा हाई कवरेज चाहिए था तो मैं इसको 2 बार अपने फेस पे अप्लाई करूंगी. तो मैंने देखिए सेकंड वाला भी लिया है और उसका फिर से अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ पूरी तरफ ताकि दोनों फेस इवन से अच्छे सा टोन निकल के आए और बिल्कुल भी केकी फिनिश नहीं लगे. और अभी मैं कंसीलर वही सेम स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ और अपने हाई पॉइंट जितने भी हाई एरिया है, टी जोन एरिया है, अपने अपर लिप्स, लोअर लिप्स के नीचे और अपना जो कंटूरिंग करने का एरिया है वहाँ पर मैं इसको लगा रही हूँ. और बहुत ही अच्छे से इसको आपको लगाना होता है ताकि आपका जितने भी हाई पॉइंट्स है बहुत अच्छे से दिखें और आपके फेस का अच्छा से एक आर्क शेप दिखे. और मैं यहाँ पर NYB का
ये स्टिक वाला कंसीलर कंटूरिंग वाला यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं कंटूरिंग करने के लिए अच्छे से जल्दी से अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस में जहाँ जहाँ मुझे आग शेप देना है। और बहुत अच्छे से ये आपके फेस में अप्लाई हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड भी होता है। और अभी मैं वही वेट स्पॉन्ज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ को मैंने एक साथ ही किया है, मैंने कंसीलर और कंटूरिंग एक साथ कर ली है ताकि ईजी हो जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये स्टेप एक साथ भी कर सकते हो अगर आप अच्छे से मेकअप करने के लिए अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो। अभी मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ पे मैं अच्छे से लगा के सेट करने के लिए छोड़ दूंगी। और उसके 5 मिनट बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये मेबलिन का फिट मी वाला पाउडर फिनिशिंग वाला और उसको अप्लाई कर लिया है। और अभी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का आईलाइनर और ये जेल आईलाइनर वाला नहीं है, ये लिक्विड वाला है और इसको मैं अच्छे से आईज को आईलाइनर लगाऊंगी। सेम को मैं नीचे भी यूज कर रही हूँ लोअर आईलिड पे और इसी को मैं हेल्प से लगा रही हूँ। और देन आई एम यूजिंग ये कलर और कलर की हेल्प से मैंने आईज आईब्रोज को सेट कर लिया है। फिर मैं उसी कंपनी का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मस्कारा और इसको मैंने अच्छे से आईज के अपने आईलैशेस पे अच्छे से लगा लिया है अपर और लोअर दोनों पे। देन आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर है और इसको मैंने अच्छे से लिप को शेप देने के लिए इसको अप्लाई करूंगी। आप भी हमेशा लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा लिप लाइनर लगाएं जिससे कि बहुत ही अच्छा एक आपको शेप मिल जाए, एक कंटूरिंग आपको लिप को मिले जिससे कि आपको ईजी हो जाए लिप को शेप देने में लिपस्टिक लगाने के टाइम पे। और अभी मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मैट फिनिश में है और इसका नंबर मैं भूल गई हूँ और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये पिंक टोन में है, मैट फिनिश में ही है, आप देखिएगा थोड़ी देर में इसका फिनिश बहुत अच्छे से आ जाता है। और इसको मैंने अप्लाई कर लिया है, देखिए लिप लाइनर की वजह से बहुत ही प्यारा इसमें शेप बन के आता है। और अभी मैं यहाँ वेट एंड वाइल्ड का फिनिशिंग वाला सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और अपने फेस को सेट करने के लिए अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ। और अभी मैं हाईलाइट करने के लिए मैं सेम पैलेट से इसी का ही जो है इसको ब्रश से गोल्डन वाले शेड को लगा रही हूँ। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है उस टाइम पे, मेरे पास था बट मैं भूल गई थी, तो मैं इसकी हेल्प से भी आप लगा सकते हो अगर पैलेट है आपके पास। सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक और अब मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ थोड़ी देर। ये था मेरा मेकअप ट्यूटोरियल और ये लुक मैंने क्रिएट किया है और होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया हो। और जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो मैंने आपको साथ ही साथ शो भी किए हुए हैं, बहुत ही मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट्स थे, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट्स थे और मैं इनको ही अपना यूज़ करती रहती हूँ। आपके अगर मैंने इनके शॉपिंग हॉल भी शेयर किए हुए तो वही प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। होप आपको ये वीडियो और ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है ये पसंद आया हो गाइस। सो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तो फिर हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आती रहूंगी, आपको एंटरटेन करती रहूंगी और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ या कुछ भी ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।